अखाड़ा में आइए, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फोकस करते हैं राजस्थान में, चुनाव घोषित नहीं हुए, वहां गोलियां चलने लगी हैं। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में बवाल चल रहा है। सुखदेव सिंह की हत्या के विरोध में राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपुर में सिंधी कैंप में राजपूत हॉस्टल के बाहर करणी सेना विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं जिस हॉस्पिटल में सुखदेव सिंह गोगा मेडी के आपका शव रखा गया है, उसके बाहर भी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जयपुर ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी गोगा मेडी के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उदयपुर, कोटा, जयपुर, बूंदी, अलवर, अजमेर में भी कई सारे प्रदर्शन किए गए हैं। अब वहीं गोगा मेडी की हत्या के बाद जयपुर में करणी सेना के समर्थक गुस्से में हैं। जयपुर में करणी सेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन और विरोध मार्च निकाल रहे हैं। उसी मार्च के साथ चल रहे हैं हमारे सहयोगी भवानी सिंह, और भीलवाड़ा में भी लगातार प्रदर्शन जारी है, और वहां से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं राहुल कौशिक। पहले भवानी के पास चलते हैं। भवानी और राहुल, आप दोनों इस वक्त अखाड़ा में हमारे साथ हैं, मैं आनंद बोल रहा हूँ। भवानी, महिपाल सिंह मकराना ने तो एनकाउंटर की मांग की है कि जिसने उन्हें मारा है उनका भी एनकाउंटर किया जाए, और वहीं लॉरेंस बिश्नोई के गुड़गो ने मान ली है कि इसकी जिम्मेदारी ली है, आगे की कार्रवाई क्या होगी, और करनी सेना किसे दोष दे रही है, चुनी हुई बीजेपी की सरकार को या अशोक गहलोत को? देखिए आनंद, ये जो हत्या हुई है ये हत्या केवल पहली नहीं है। राजस्थान के अंदर लगातार जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ऐसी हत्याओं को अंजाम देती आई। एक साल पहले राजू ठेठ हत्याकांड हुआ, उसके बाद में ये है, और करणी सेना का आरोप है पिछली सरकार पर, अशोक गहलोत सरकार पर। अभी इस वक्त मैं तस्वीरें बता देता हूँ, फिर आपको पूरी एक पिक्चर बताऊँगा। ये आप देखिए कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये राजपूता सभा भवन के बाहर की तस्वीर है। करणी सेना के कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर के अंदर जो वॉल सिटी का इलाका है वहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, और जाहिर तौर पर प्रदर्शन है। यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है या कड़ी की गई है, पीछे बैरिकेडिंग लगाई गई है, जगह जगह पर यहाँ पर इस वक्त ट्राइफेड को डाइवर्ट किया गया, नारेबाजी लगातार चल रही है जहाँ 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 पर भी जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है आनंद, की आरोप क्या लगा रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि उसको सुरक्षा, गोगा मेडी को सुरक्षा जानबूझ कर नहीं दी गई। जी अच्छा, भवानी मैं वापस आपके और लौटता हूँ। भवानी, आप मेरे साथ बने रहिए, राहुल कौशिक के पास चलते हैं भीलवाड़ा में। राहुल, वहां क्या मांग हो रही है, कहीं ना कहीं क्या अशोक गहलोत सरकार को दोष दिया जा रहा है? जी राहुल। जी आनंद, कहीं ना कहीं भीलवाड़ा का जो माहौल है आज पूरी तरह गर्मा गया है। सुखदेव गोगा मेडी की हत्या के बाद जो लोगों में आक्रोश देखने को मिला, सड़कें जाम कर दी गई, टायर जलाए गए हैं, यही नहीं जो ट्रेन थी उसको भी रोक दिया गया। 20 से 25 मिनट तक ट्रेन रुकी रही, पूरी कलेक्ट्री को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। भारी संख्या में लोग कलेक्ट्री पहुंचे, धरना प्रदर्शन दिया। पहले ज्ञापन देने की जो इनकी तैयारी थी उन्होंने मना कर दिया ज्ञापन देने के लिए। इनको एक ही मांग है कि जो अपराधी हैं उनका एनकाउंटर किया जाए, सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं सरसमा के, इनसे बात करते हैं। आपने यहाँ प्रदर्शन किया, आप यहाँ पे ज्ञापन नहीं दे रहे, आगे की रूपरेखा क्या है? आगे की रूपरेखा, हम पूरे भीलवाड़ा को, आज पूरी भीलवाड़ा की सारी तहसीलें लगभग बंद हैं, और पूरे छत्तीसी कौम में बहुत आक्रोश है। और जब तत्कालीन सरकार और ब्यूरोक्रेसी की मंशा वही नजर आती है कि जब एसटीएफ, पंजाब एसटीएफ ने बार बार उन्हें बताया कि इन पे हमला हो सकता है, तो उस सरकार ने लीलेंसी लापरवाही अपनाई। और कल आपने देखे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज 18 का, कि जो गाड़ी हत्यारे लेकर आ रहे थे उसको एक डेढ़ घंटे तक पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया, उसमें किसने एविडेंस खत्म हो चुके थे। और ये पुलिस न्यूज 18 ने वापस, जो आपके थे पत्रकार, उन्होंने जाके उनको बताया कि ये गाड़ी हत्यारों ने उपयोग ली है। ये लापरवाही पुलिस की नजर आती है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इससे कम हमें राजस्थान पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और पूरा जो गैंगस्टर का जो पूरा चेन बनी हुई है, लॉरेंस जो भी नाम आ रहे हैं, रोहित गोदारा वगैरह एक्स वाई जेड, उनको सबकी पूरी जाँच होके उनको एनकाउंटर करना चाहिए, समाज की यही मांग है। बाकी भीलवाड़ा, राजस्थान, भारत, पूरा भारत बताऊंगा, चक्का जाम करेंगे हम। राहुल, जरा इनसे पूछिए कि गोगा मेडी क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्यों करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी को थ्रेटन कर रहे थे, उन्होंने ये क्या माजरा है जरा समझाइए, और उनकी जान को खतरा क्यों था? ये लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है वो गोगा मेडी जो क्यों थ्रेट कर रहे थे, उनकी जान को खतरा क्यों था? उनकी जान को खतरा इसलिए कि वो सर सामाजिक काम के लिए, धार्मिक काम के लिए, तो किसी भी व्यक्ति के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे, तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ थी। और मेरे को यूं लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग कहीं ना कहीं आईएसआई से उनके तार जुड़े हुए हो सकते हैं, जो अगर हिंदुवादी नेता को क्यों टारगेट करेंगे, टारगेट का वही कारण है। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में आ रहे थे, उनके काम के बीच में आ रहे थे,
उनके गलत कामों के बीच में आ रहे थे, हर समाज के लिए खड़े हो जाते थे, हर व्यक्ति के लिए, जैसे आनंद पाल के लिए खड़े हुए थे और सीबीआई जांच खुद उन पे चल रही थी, तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई टारगेट, अच्छे काम के व्यक्ति जो काम करता है समाज के लिए उसके लिए टारगेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो अच्छे काम के बीच में आ रहे थे, तो कहीं उन्होंने सुपारी देखे और उनका काम तमाम करने के लिए उन्होंने साजिश करी और उसमें वो सफल हुए। सुरक्षा दे दी जाती तो कहीं ये हादसा ना, सुरक्षा दे दी जाती तो डेफिनेट उनका बचाव और आज वो जिंदा होते, हमारे बीच होते, और ये लापरवाही एक केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनमें बहुत सारे समाज के नेताओं को ऐसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा था, और ये सरकार की ले लेनी चाहिए, तत्कालीन सरकार की वो ब्यूरो केस सब पे केस चलना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए जो तत्कालीन रहे, मुझे राजनीतिक हत्या की बुआ थी। आप यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे, भारी संख्या महिलाएं पहुंची थी, ज्ञापन क्यों नहीं दिया गया? ज्ञापन इसलिए नहीं दिया गया है कि इससे पहले भी कई बार सरकारों को ज्ञापन दिया है, पर सरकार का जो ढीला रवैया है, इन्होंने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया है। इससे पहले सुखदेव दादा ने खुद ने अपनी सिक्योरिटी की डिमांड के लिए भी ज्ञापन दिया था और सरकारों के पास गए थे, पर सरकारें उसमें भी ढीली रही, उन्हें वो लोग सुरक्षा नहीं दे पाई, तो कहीं ना कहीं जनता का और पब्लिक का आक्रोश भी है और सरकार पे विश्वास भी उठ चुका है। उनसे पूछिए आप, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या बनेंगी, उनसे क्या उम्मीद है? तो वो ऐसे जो आतंकी लोग हैं, इन्हें राजस्थान में अब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी, उनसे क्या उम्मीद है, क्या मांग करेंगे? सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, अब नई सरकार बनने जा रही है, नए मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, उनसे आपकी क्या उम्मीद है, क्या मांग रही? पहली बात तो जब तक कि हमारे सुखदेव दादा को न्याय नहीं बनता, नहीं मिलता, तब तक नया मुख्यमंत्री ही घोषणा नहीं की जाएगी और ना हम लोग करने देंगे, और उसके बाद अगर नया जो भी शपथ ग्रहण करने के लिए जो भी आते हैं उनसे हम एक ही आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार दादा को घर में घुसकर उन चूहों ने और कायरों ने मारा है, उसी तरह उनका एनकाउंटर होना चाहिए, एक ही मांग है। नहीं, मुख्यमंत्री घोषणा होगी वो तो शपथ भी लेंगे, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई उनका जो एनकाउंटर हो, हत्यारों को सजा मिले। तो जैसे घुस के सुखदेव गोगा मेडी को मारा, वैसे इन हत्यारों को भी घुस के उनका एनकाउंटर किया जाए। राहुल बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वापस भवानी के पास जाता हूँ। भवानी, वहां पर भी कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है आपके पीछे, फिर अचानक से भीड़ उमड़ आई है? देखिए, धरना प्रदर्शन लगातार ये जारी है और आप देखिए कि यहाँ पर लाठियां वाठियां लेकर, ये लाठी क्यों ले रखी है? हेलो, लाठी क्यों ले रखी है, ये क्यों ली? हेलो, खुद के बचाव के लिए? हाँ, खुद के बचाव के लिए। हेलो, के बचाव के लिए? लाठी के, क्यों, ये कोई पहली बार इंसिडेंट नहीं हुआ? लाठी ले रखी है तो क्या हम नहीं ले सकते? पुलिस के पास में क्या अधिकार लाठी लेने का? हम कौन सा उग्र करें? पुलिस ने कहा पुलिस ने लाठी ले रखी है? देखो आप पूरे भवानी साइड, आप पुलिस के पास देखो कहाँ कहाँ लाठियां नहीं ले रखी है, हम लाठी खाने के लिए बैठे हैं क्या? दोनों में फर्क होता है सर, लाठी ले रखी है और लाठी मारने में दोनों में फर्क। हमारा आंदोलन, हमारा आंदोलन 10 साल पहले हुए थे, जब पहली बार वसुंधरा आई थी, बीजेपी राजस्थान में बीजेपी सरकार बनी थी, वीरेंद्र सिंह नंगड़ी को मरवाया, दूसरी बार बीजेपी बनी आनंद पाल। अभी तो ये सरकार तो अशोक गहलोत की बीजेपी की तरफ सपोर्ट लेगी। गहलोत का ये सारा खेल कराएगा भाई जी, क्यों करवाया? गहलोत की सरकार थी वो निकम्मी सरकार थी, प्रशासन उसके बस में नहीं था कैसे शासन चलाया जाता है। ये जो हत्या हुई है, आपको लगता है क्या इसका सरकार का क्या हाथ है? ये तो गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मारा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या है अभी कोई कंफर्म नहीं है ना, लॉरेंस बिश्नोई मारा है उन्होंने सरकार ने सुरक्षा क्यों नहीं दी हमारे भाई को? सुरक्षा मांगी क्यों नहीं दी जब पंजाब से पहले से नोटिस आ रखा था सरकार के पास, क्यों नहीं दिया फिर सरकार ने? क्यों नहीं दी? आप मुझे बताओ जब राजस्थान पुलिस को 3 महीने पहले ही पता चल गया था कि सुखदेव सिंह जी को मारने की प्लानिंग चल रही है, तो क्यों नहीं दी सरकार ने? आपको क्या लगता है जानबूझकर नहीं दी? और कैसे क्या आप बताओ मुझे, सुखदेव सिंह जी अशोक गहलोत की या पिछली सरकार की? क्या मुझे गहलोत जी से कोई मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ कि हमारे भाई को मारा है, क्यों मारा है, कौन जिम्मेदारी ले रहा है इस चीज की? अच्छा उनसे पूछिए इससे पहले कि वो उग्र हो जाए, उनसे पूछिए कि न्याय कैसे होगा, न्याय उन्हें कैसे चाहिए, किस तरह से न्याय मिलेगा सुखदेव गोगा मेडी की हत्या का, न्याय कैसे होगा उनके लिए? पहले मैं प्रदर्शन की तस्वीरें बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर लाठी डंडे लेकर यह भीड़ बढ़ती जा रही है। अब देखिए कि तस्वीरें आनंद में आपको तस्वीरें बता रहा हूँ कि यहाँ पर लाठी डंडे लेकर भीड़ काफी बढ़ती जा रही है, प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है यहाँ पर, और मांग क्या करें, एक ही मांग करें, राजस्थान के डीजीपी को सस्पेंड किया जाए जी, ये सबसे बड़ी मांग। तो राजस्थान के डीजीपी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं और अब वहां पर करनी सेना के कई सारे कार्यकर्ता और समर्थक, सुखदेव गोगा मेडी के समर्थक भी लाठियां लेके आए, क्योंकि पुलिस के हाथों में लाठियां दिख रही है, कहीं ना कहीं बल प्रदर्शन होगा, क्या मामला हाथ से आगे निकल जाएगा, हद से आगे निकल जाएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि करनी सेना के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस इस ताक में है कि कैसे बल प्रदर्शन के साथ वहां पहुंचे प्रदर्शनकारियों को अलग कर सके, हटा सके।